नमस्कार दोस्तों, मैं आर्किटेक्ट नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्च बाइट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे 25 फुट बाय 45 फुट के घर के डिज़ाइन की और देखेंगे कि किस तरीके से इस घर की प्लानिंग की गई है, कैसा इसका इंटीरियर है, कैसा इसका एक्सटीरियर है एंड कैसा इसका टेरेस गार्डन है। एंड दोस्तों ये इस प्लान की डिटेल्स हैं, एक बार आप इसको भी देख लें जिससे आपको एक इनिशियल आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमने इसमें प्रोवाइड की हैं, टोटल बिल्टअप एरिया कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है और क्या उसके इंक्लूजन्स हैं। एंड दोस्तों प्लान के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, बट आई सजेस्ट कि एक बार आप पूरी वीडियो को देख लें और उसके बाद आप इकट्ठे इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इसका फ्रंट एलिवेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार हम पूरे घर का ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए दोस्तों घर के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। एंड एंट्री करते ही हमें मिलता है इसका ड्राइववे जो कि 11 फुट डेढ़ इंच बाय 13 फुट का है, जहां पर आप एक मीडियम साइज गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है इसका फ्रंट यार्ड जो कि लगभग 4.5 फुट वाइड है। एंड ड्राइववे से आपको दो एंट्री मिलती हैं, जिसमें से एक मेन एंट्री है और एक गेस्ट एंट्री है। पहले हम इस एंट्री से एंटर करते हैं। तो एंट्री करते ही हमें मिलता है इसका ड्राइंग रूम जो कि 12 फुट डेढ़ इंच बाय 12 फुट 3 इंच का है। एंड इसके सामने ही हमें मिल जाती है इसकी टीवी यूनिट। दोस्तों पूरे ही घर को हमने नेचुरली वेंटिलेट किया है, सो आपको किसी भी रूम में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये है इसकी मेन एंट्री, जहां पर आपको एंट्री करते ही शू रैंक मिल जाता है, जहां पर आप अपने शूज एंड हेलमेट्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही हमें मिलता है इसका डाइनिंग कम लिविंग एरिया जो कि 24 फुट 3 इंच बाय 9 फुट 6 इंच का है। एंड डाइनिंग के सामने आपको मिल जाता है इसका एक मॉड्यूलर किचन जो कि 8 फुट 6 इंच बाय 10 फुट 10.5 इंच का है। और किचन से आगे बढ़े तो हमें मिलता है इसका रियर यार्ड जो कि 5 फुट वाइड है, जिसको आप एज अ यूटिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस वेंटिलेशन तो यहाँ से हो ही जाएगी।
चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि 15 फुट 4.5 इंच बाय 11 फुट का है, जहां पर आपको बेड के साथ ही एक सीटिंग स्पेस मिल जाता है, एक स्टडी टेबल मिल जाता है और इसके वार्डरोब आ जाते हैं। एंड बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाता है इसका अटैच टॉयलेट, जो कि 7 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का है। एंड इस बेडरूम एंड टॉयलेट की वेंटिलेशन भी बाहर रियर यार्ड से हो रही है। एंड स्टेकेस के नीचे ही आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और इससे 3 स्टेप्स ऊपर चढ़े तो आपको एक पाउडर रूम मिल जाता है, जो कि 5 फुट 9 इंच बाय 4 फुट 3 इंच का है, जो कि घर में आने वाले गेस्ट के लिए है। एंड ऊपर आते ही सामने आपको मिल जाता है इसका पूजा स्पेस, और इसके साथ ही ये आ जाता है इसका लिविंग एरिया, जो कि 13 फुट 6 इंच बाय 8 फुट 6 इंच का है। एंड इसके लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है इसका बेडरूम नंबर 2, जो कि 12 फुट 1.5 इंच बाय 13 फुट का है। एंड बेडरूम के साथ ही आपको इसका एक छोटा सा टेरेस मिल जाता है, जहां पर आप एक मिनी गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। एंड बेडरूम से आगे बढ़े तो हमें मिलता है इसका ड्रेसिंग एरिया, जो कि 6 फुट बाय 7 फुट 1.5 इंच का है। और इसके साथ ही हमें मिलता है अटैच टॉयलेट, जो कि 5 फुट 9 इंच बाय 7 फुट 1.5 इंच का है। चलिए अब देखते हैं इसका बेडरूम नंबर 3, जो कि 16 फुट बाय 10 फुट 10.5 इंच का है, जहां पर बेड के सामने ही आपको मिल जाती है इसकी टीवी यूनिट, और इसके साथ ही एक छोटा सा एक सीटिंग स्पेस मिल जाता है। और बेडरूम के साथ ही आपको मिल जाता है इसका ड्रेसिंग एरिया, जो कि 4.5 फुट बाय 5 फुट का है, और इसके साथ ही मिल जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट, जो कि 7 फुट 10.5 इंच बाय 5 फुट 10.5 इंच की। और ड्रेसिंग के साथ ही हमें मिलता है इसका अटैच टॉयलेट, जो कि अगेन 7 फुट 6 इंच बाय 5 फुट का है। एंड टॉयलेट के साथ ही हमें एक सेपरेट बाथिंग एरिया मिल जाता है 3 बाय 5 का। और ये है इस बेडरूम की बालकनी, जहां पर आप राइट हैंड साइड इसके एसी की यूनिट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अब इसके टेरेस की तरफ और देखते हैं इसका टेरेस डिजाइन। और ऊपर आते ही लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है इसका स्टोरेज एरिया, जो कि 7 फुट 1.5 इंच बाय 12 फुट 6 इंच का है।
और ये है इसका टेरेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक भी कर दें। एंड दो बाकी एसी की यूनिट्स आपकी यहां पर आ जाएंगी। पूरी वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। एंड दोस्तों इस प्लान के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।